नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज जो ये फल देख रहे हैं ना, और ये जो पेड़ देख रहे हैं, बहुत ही खास किस्म का ये जड़ी बूटी है। जड़ी बूटी है, फल भी है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों, जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। और दोस्तों, अगर ये पेड़ आपको मिल जाए, यह फल मिल जाए, तो आप इसका ज़रूर तोड़ के ले आइए और उसका सेवन करिए। दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन औषधि है, बहुत ही स्वादिष्ट इसके फल होते हैं खाने में। दोस्तों, यह बहुत ही फायदेमंद जड़ी बूटी है। तो दोस्तों, आज हम इसके कुछ फ़ायदे के बारे में जानेंगे, इस पौधे के पेड़ के बारे में, इसके फल के बारे में, इसके छिलके के बारे में और इसके पत्ते के बारे में। दोस्तों, यह पेड़ आप अच्छी तरह देख लीजिए और पहचान लीजिए, फल इसका देख ही रहे हैं, पत्ते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम इसको विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों एक लाइक कर देना। लाइक करने से मेरा मोटिवेशन अप होता है, जिसके वजह से ऐसे ही हम आपके लिए वीडियो लाते रहते हैं। चलिए दोस्तों, इसको विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, मैं इसका नाम बता दूँ, इसका नाम है लसोरा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, लसोरा नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों, लसोरा का और भी नाम है गोदी, और लसोरा भी कहते हैं। दोस्तों, आपके भी क्षेत्र में किसी और नाम से जाना जाता होगा तो आप इसे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो और आप देख लीजिए, पहचान लीजिए इस फल को। दोस्तों, चलिए इसके कुछ फ़ायदे के बारे में हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, यह पूरे भारतवर्ष में आपको आसानी से मिल जाएगा, इसी ही रोड के किनारे, घर के सामने बहुत सारे ऐसे पेड़ हो जाते हैं। दोस्तों, इसका प्रयोग पुराने समय में यूनानी चिकित्सा पद्धति में इसका प्रयोग किया जाता था, और इसका विस्तार रूप से वर्णन भी है आयुर्वेद में। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी बीमारी को दूर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसके पके हुए फल मीठे होते हैं और इसके अंदर एक चिपचिपा टाइप से पदार्थ होता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और कच्चे में यह हरे रंग के होते हैं, जो कि आप इस वीडियो में देख ही रहे हैं। और लसोड़े का जो तहसीर होते हैं ना दोस्तों, वो बहुत ही शीतल होते हैं। लसोड़ा के आयुर्वेदिक गुण, यह मधुर, कसेली, शीतल, ग्राही, कृमि नाशक, विष नाशक, केसों के लिए हितकारी, अग्निवर्धक, पाचक, मूत्रवर्धक, सिंधकारी, कफ निकालने वाला, अतिसार एवं जलन को दूर करने वाला, शूल को, सभी प्रकार के शूल को दूर करने वाला, विष को नहरने वाला, शीत वीर्य होता है। इसका काढ़ा कफ और पतले दस्त को दूर करने में गुणकारी होता है। लसोड़ा पेट के और सीने में नर्म करता है, और गले की खराहट को, सूजन को लाभकारी है। लसोड़ा के पित्त के दोषों को, दस्तों को रास्ते से बाहर निकालता है, वलगम व खून दोषों को दूर करता है। लसोड़ा पित्त और खून को तेज़ी से मिटाता है और प्यास को रोकता है। ऐसे तो लसोड़ा के बहुत सारे गुण हैं। लसोड़ा पेशाब, जलन, बुखार, दमा, खून, सूखी खांसी, छाती दर्द को दूर करता है। इसकी कोपलों को खाने से पेशाब में जलन और सुजाक रोग मिट जाता है। लसोड़ा के कच्चे फल शीतल, कसेला, पाचक और मधुर होता है। इसके उपयोग से पेट में कीड़े, दर्द, कफ, चेचक, फोड़ा, विसर, छोटी छोटी फुंसियाँ, दल और सभी प्रकार के विषनाशक को यह बहुत अच्छे से सही करता है। इसके फल शीतल, मधुर और हल्के होते हैं। इसके पके फल मधुर और शीतल, पुष्टिकारक, यह रूखे, भारी और बात को खत्म करने वाला यह फल होता है। आइए दोस्तों, हम इसके विस्तार से इसके फ़ायदे के बारे में जानते हैं। जो हमने आज इस वीडियो में बताया है, जितनी बीमारी को बताया है, उस सब बीमारी को दूर करने वाला होता है। चलिए एक एक करके उसके बारे में जानते हैं और विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले करेंगे, जैसे माता बहनों में लिकोड़िया की समस्या होता है, श्वेत प्रद की समस्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बहुत सारे ऐसे दवाई करते हैं केमिकल वाले जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, उनके लिए बहुत अच्छा यह इसका प्रयोग है लछोड़े के। दोस्तों, इसको कैसे आप प्रयोग कर सकते हैं, मैं वो बता दे रहा हूँ। उसके लिए लसोड़ा का छाल ले आइए और उसका काढ़ा बनाइए, और इसके बाद
आपको 20 से 40 ml के बराबर सुबह शाम इसका सेवन करने से आप एक सप्ताह तक आप प्रयोग करें तो जैसे श्वेतप्रद और लिकोरिया जैसी समस्याओं जो माता बहनों को हो जाते हैं उसके लिए बहुत ही फायदेमंद है। आप इसका ज़रूर प्रयोग करें। और इसका एक प्रयोग है जैसे प्रदर रोग या प्रमेह जैसी रोग को लिए इसके पत्ते को ले आएँ और उसको पीस करके रस निकाल करके सुबह शाम सेवन करने से उससे भी प्रमेह रोग या लिकोरिया जैसी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। दोस्तों जैसे चर्म रोग हो जाता है, दाद घाज खुजली हो जाता है, उसके लिए भी बहुत अच्छा इसका प्रयोग है। आप क्या करें, लसोड़ा का जो बीज होता है उसको ले आएँ और उसको पीस करके दाद वाले स्थान पर लगाएँ, उससे सुबह शाम लगाएँ। इस तरह से लगाएंगे तो एक सप्ताह के अंदर आपकी दाद खाज खुजली जैसी समस्याओं जिद्दी का दाद खाज खुजली सही हो जाते हैं। या फिर फोड़े फुंसी की समस्या है तो दोस्तों उसके लिए भी बहुत अच्छा है, इसका लसोड़ा का पत्ता ले आइए और उसको पीस कर करके एक पोटली बना करके उस जगह बांध दीजिए, तो उससे भी आपको बहुत जल्दी राहत मिलेगा और बहुत अच्छा औषधि है। दोस्तों गले में अगर खराश हो गया है, मुंह में छाले पड़ गए हैं तो लसोड़ा के छाल का आप काढ़ा बना करके कुल्ला करने से, गरारा करने से भी आपको लाभ मिलेगा। गले के समस्त रोगों को ठीक करने का यह बहुत अच्छा औषधि है। अगर किसी को अतिसार की समस्या है, जी हाँ दोस्तों बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है अतिसार में, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है, इसके छाल को ले आएँ और उसको पानी में घिस करके उसका सेवन कराएँ। सुबह शाम कराने के बाद आप देखेंगे अतिसार जैसी बीमारी से भी छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों हैजा जैसी बीमारी जो कि बहुत ही खतरनाक है, दोस्तों उसके लिए भी बहुत अच्छा फ़ायदेमंद है। लसोड़ा के जो छाल होते हैं और चने के जो छाल होते हैं दोनों को मिला करके छिलके को अच्छी तरह पीस लें और उसका सेवन कराएं तो उससे में भी हैजा जैसी बीमारी से भी छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों दांतों का दर्द हो, भयंकर से भयंकर दांतों का दर्द हो, उसमें भी लसोड़ा का जो छाल होते हैं ना उसका काढ़ा बना करके अगर आप उसका कुल्ला करेंगे उसमें भी आपको बहुत राहत मिलेगा। 2 मिनट के अंदर आपका दांत दर्द जो है ना वो शांत हो जाएगा और दांत से लेकर कोई भी प्रॉब्लम है उसको भी सही करने के लिए बहुत अच्छा इसका प्रयोग है। दोस्तों अगर पुरुष में अगर कोई कमजोरी है या धातु की समस्या है, बीड़ी की समस्या है, धातु पतला की समस्या है या शरीर दुबला पतला है, कोई काम में मन नहीं लगता है, थका थका रहता है, सर दर्द की समस्या होती है, जी हाँ दोस्तों भयंकर से भय नपुंसकता की बीमारी हो उसको भी दूर करने के लिए इसका प्रयोग बहुत अच्छा है। दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना होगा, लसोड़ा का पका हुआ फल जो देख रहे हैं ना इस तरह से पका हुआ फल ले आइए और उसको सुखा करके और पाउडर बना लीजिए। इसके बाद क्या करें, चीनी की चाशनी में उसको डुबा करके और लड्डू बना लें और उसका सेवन करें 1 गिलास दूध के साथ। इस तरह से आप अगर करते हैं, आपके शरीर में किसी भी प्रकार का अगर कमजोरी है, जी हाँ दोस्तों जैसे कि धातु छिन्नता, स्वप्न दोष या भीड़ का पतलापन हो जाना या बहुत सारी जो पुरुष में जो अनुनी ताकत की समस्या होता है, स्टेमिना की जो कमी होता है उसको यह पूरा करता है। बहुत अच्छा बलवर्धक है दोस्तों, वीर्यवर्धक है, आप इसका प्रयोग जरूर करें। दोस्तों इतना ही नहीं, अगर कहीं सूजन हो गया है, जी हाँ दोस्तों अगर सूजन हो गया है तो लसोड़ा का जो छाल होते हैं ना उसको पीस करके उस जगह पर लगाने से सूजन में राहत मिलता है, दर्द भी कम हो जाता है। तो दोस्तों लसोड़ा का प्रयोग स्त्री हो या पुरुष हो दोनों इसको अपने अंदर की शक्ति को जगाने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। चाहे माता हो बहना हो, जैसे लिकोरिया जैसी समस्या है उनके लिए भी बहुत अच्छा फ़ायदेमंद है। साथ साथ अगर पुरुष में जैसे कि स्टेमिना की कमी है उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों लसोड़ा का बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे ऐसे फ़ायदे हैं जो कि मैं एक वीडियो में नहीं पूरा कर सकता हूं। इसके जो नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे आपको उसमें बहुत सारे ऐसे औषधि गुण होते हैं जो कि बहुत सारे विटामिन्स होते हैं जो हमारे शरीर के हड्डी को मजबूत करता है, बहुत सारे ऐसे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसको विस्तार से बताएंगे। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को शेयर करें ताकि कोई भी माता बहना या भाई लोग को अगर ज़रूरत हो तो उसको इसका बेनिफिट्स ले सके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो दोस्तों एक लाइक कर देना।
दोस्तों इसी तरह हम आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहते हैं और उसके जानकारी देते रहते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, एक नई औषधि के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।